Hello everyone! Welcome back my channel Rainbow on the Arc of Color. It's Shweta. आज मैं बनाने वाली हूँ mechanical eraser and normal eraser से drawing. पता है इससे मैंने जो drawing बनाई है ना ये बहुत ही interesting होने वाली है और video को अगर आपने skip करा ना तो बहुत सारी detailing आपको पता नहीं चलेगी. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और बेल आइकन को जोर दबाना, इससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इससे बनने वाला है ड्राइंग. यहाँ पे मैंने 140 GSM का पेपर लिया है और सैंड पेपर. जो भी आपकी सेटिंग पेंसिल होती है ना उसकी हमें डस्ट निकालनी है और डस्ट में सैंड पेपर के ऊपर प्रेस करके उसको घिस करके निकाल रही हूँ. फिर जब उसके सारे डस्ट को मैंने कॉपी पे स्प्रेड किया और उसको ब्रश के हेल्प से उसको अच्छे से फैलाया, फिर कॉटन के हेल्प से मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड किया है. ब्लेंड इस तरह से करना है कि वो पूरे पेपर में आपका ब्लैक वाली टेक्सचर फिल हो जाए. फिर जो नॉर्मल वाली जो इरेजर होती है ना, जब हम मोटी मोटी एरिया पे हमें इरेज करनी है तो आपको नॉर्मल इरेजर ही यूज़ करना है. उससे क्या होगा कि आप, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ ट्री, तो ट्री में हमें उसका ट्रंक बनाना है, ब्रांचेस बनाना है, तो वो सब के लिए मैंने नॉर्मल इरेजर को यूज़ किया है. और जो लीफ और पत्तियाँ जो बनानी है उससे मैंने मैकेनिकल इरेजर से यूज़ किया है. अब बात आती है कि मैकेनिकल इरेजर होती क्या है. मैकेनिकल इरेजर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इरेजर है. उसमें क्या होता है ना, हमें दो बैटरी लगाई जाती है और बैटरी लगाने के बाद उसकी बटन को प्रेस किए जाते हैं और उसके जो सामने वाली लीड होती है ना वो इजी वे में उसे इरेज करने का काम करता है. तो जो यहाँ पे मैंने पत्तियाँ बनाई है ना वो मैकेनिकल इरेजर से ही बन रही है और वो देखिए कितना इजी वे से ना वो बन रहा है, क्योंकि वो ना राउंड राउंड रोटेट हो रहा है और वो उस एरिया को इरेज कर रहा है, जिसके वजह से मेरी इस ड्राइंग में ना पत्तियाँ बन के निकल के आ रही है. वैसे तो मैंने ये मैकेनिकल इरेजर मार्केट में जाकर के ली हूँ. अगर आप किसी को भी इसका लिंक वगैरह चाहिए तो मैं सर्च करके आपको वो लिंक भी साथ में शेयर कर दूँगी. और जो भी मेरी नई नई आइडियाज़ जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना उसे भी ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं इस तरह से ग्रोथ हो कर पा रही हूँ. और साथ में कमेंट भी करेंगे कि मैं क्या बनाऊँ. थोड़ा सा जो आप लोग कमेंट करते हो ना उसकी मेरी लेट भी हो जा रही है, कमेंट नहीं पोस्ट नहीं कर पाते हो. एक्चुअली ना यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती है ना कि कुछ भी ड्राइंग बनाना ना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा. और साथ में थोड़ा बिजी भी शेड्यूल चल रहा है इसके वजह से. तो ये मैकेनिकल इरेजर वाली ड्राइंग आपको कैसी लगती है जरूर बताना. इरेजर से ही सारी बनी हुई है, नॉर्मल इरेजर है, मैकेनिकल इरेजर है. और वीडियो को देखिए कैसे कैसे ये बन रहा है. साथ में इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो कीजिएगा. साथ में मैं शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड करती रहती हूँ, उसे भी जरूर लाइक कमेंट करेंगे और उसे भी सपोर्ट करेंगे. और मैं किस किस तरह का वीडियो बनाऊँ वो भी जरूर बताएंगे आप लोग.
होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैं नई आइडिया के साथ जो शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। इसी तरह वीडियो को आप लाइक सपोर्ट करते रहें एंड कमेंट भी करें कि ये आइडियाज़ आपको कैसी लगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।